हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूकेजी क्लास का इंग्लिश का एग्जाम पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये बताएंगे कि बच्चों से एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कंप्लीट द वर्ड्स। ये मैंने वर्कशीट पूरी, ये पूरा एग्जाम पेपर बनाया हुआ है। आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बच्चों को बैठा सकते हैं, उनसे सॉल्व कराइए। देन उसके बाद मैं इसी वीडियो के अंदर सॉल्यूशन भी बताऊंगी, पर वो पूरा पेपर डिस्कस करने के बाद बताऊंगी मैं। तो आप चाहें तो बच्चों को कॉपी पेन लेके बैठाइए, उनसे पूरा पेपर सॉल्व कराइए, देन फिर उसे चेक करिए। अगर कुछ कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसका सॉल्यूशन सारा इस वीडियो में बाद में दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कंप्लीट द वर्ड्स। जनरली बच्चों को वोवल्स वाले थ्री लेटर वर्ड्स सारे करा दिए जाते हैं यूकेजी क्लास में, तो उनको इस तरह से वर्ड्स इमेज देखकर आने चाहिए कि उनकी स्पेलिंग क्या होती है। थ्री लेटर वर्ड्स, फोर लेटर वर्ड्स, ये सब यूकेजी क्लास में करा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स भी बच्चों को यूकेजी क्लास में करा दिए जाते हैं। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीडियो राइमिंग वर्ड्स की बनी हुई है अलग से, मेरे चैनल किड्स प्राइड पर जाके आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है मैच द पिक्चर विद इट्स नेम। लेफ्ट हैंड पे आपको पिक्चर्स गिविन होंगी, राइट हैंड पे आपको नेम्स गिविन होंगे, और उनको हमें करेक्ट नेम से उसकी मैचिंग करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सर्कल द करेक्ट बिगनिंग लेटर। आपको यहाँ पे इमेजेस गिविन होंगी, कुछ लेटर्स गिविन होंगे, जैसे कि फर्स्ट इमेज हमारी मंकी की है यहाँ पे, तो मंकी हमारा किस लेटर से स्टार्ट होता है उस लेटर को हमें सर्कल करना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, एस एम जे ओ, इन चारों में जो भी हमारा करेक्ट लेटर होगा उसको हमें सर्कल करना है। इसी तरह से बाकी इमेजेस के लिए भी हमें सेम मेथड अप्लाई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग वोवल्स। फाइव वोवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पांचों वोवल्स यूकेजी क्लास के बच्चों को करा दिए जाते हैं। उससे रिलेटेड जो भी थ्री लेटर वर्ड्स हैं, सीवीसी वर्ड्स हैं, वो सब करा दिया जाता है, तो ये भी हमारे बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन की इंफॉर्मेशन बच्चों को यूकेजी क्लास में करा दी जाती है, तो इसका भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज दिस एंड दैट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं, इमेजेस गिवन होती हैं, उसमें बच्चों को बताना, फिल करना होता है कि दिस आएगा या फिर दैट आएगा। जो इमेज हमारी पास में होती है उसके लिए दिस यूज करते हैं, जो इमेज हमारी दूर होती है या जो भी ऑब्जेक्ट हमारा दूर होता है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीज एंड दोज का। ये दिस और दैट की तरह ही होता है, बस इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पास में है हमारे तो दीज यूज होगा, और अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमारे से दूर है तो दोज यूज होएगा। नेक्स्ट आता है राइट फाइव फ्रूट्स नेम। बच्चों को यूकेजी क्लास में फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब लर्न करा दिए जाते हैं, तो जनरली स्कूलों में बच्चों को फाइव नेम ही लर्न करने होते हैं, वो हमारा एक क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट फाइव वेजिटेबल्स नेम, राइट फाइव कलर्स नेम, राइट फाइव लाइन्स ऑन माई सेल्फ। ये भी बच्चों को करा दिया जाता है। माइक पे बोलने के लिए भी बच्चों को एक्सटेम्पोर वगैरह में कहा जाता है कि माई सेल्फ के बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो जनरली फाइव लाइन्स बच्चों को बोलनी होती है और यूकेजी के एंड तक बच्चों को वो लिखनी भी आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिल द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन और अंडर। इन तीनों का यूज भी बच्चों को आना चाहिए कि इन हमारा कहाँ यूज होता है, ऑन हमारा कहाँ यूज होता है, और अंडर हमारा कहाँ पर यूज होता है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक ये पेपर। कंप्लीट द वर्ड्स एस यू एन सन, डी ओ जी डॉग। थर्ड इमेज हमारी किसकी है, बॉय, बी ओ वाई बॉय। फोर्थ इमेज कैप, सी ए पी कैप। सर्कल द करेक्ट राइमिंग वर्ड,
राइमिंग वर्ड्स आपको पता ही है, लास्ट के दो लेटर का साउंड सेम हमारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एपी लिखा हुआ है तो हमारे इस वाले वर्ड में भी एपी लिखा हुआ है। मैप, टैप सेम साउंड कर रहे हैं, सैड अलग साउंड कर रहा है और यहाँ पर ए डी भी आ रहा है। तो हमें लास्ट के दो लेटर ही देखने हैं, सेम होने चाहिए, ओ जी और यहाँ पर भी ओ जी, तो ये सेम राइम करेंगे। लॉग, फॉग, शीट, मीट, इसमें भी देखिए ई टी और ई टी आ रहा है। कुक, बुक, तो हमने इसमें क्या करा है, जो हमारे करेक्ट राइमिंग वर्ड है उसको सर्कल करा है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा मैच द पिक्चर विद इट्स नेम। फर्स्ट पिक्चर थी हमारी फैन की, सेकंड पिक्चर थी हमारी जग की, थर्ड पिक्चर थी हमारी कॉब की एंड लास्ट पिक्चर थी कब। सर्कल द करेक्ट बिगनिंग लेटर, मैंने आपको पहले भी बताया था जो इमेज हमारी यहाँ पर गिवन होगी, जैसे फर्स्ट इमेज मंकी की गिवन है तो हमारा मंकी कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, एम से, तो एम इज द बिगनिंग लेटर ऑफ मंकी, तो हम एम को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इमेज है हमारी जिराफ की, सॉरी जेब्रा की, तो यहाँ पर हम जी को सर्कल करेंगे। थर्ड इमेज है हमारी ट्री की, तो ट्री किससे स्टार्ट होता है, टी से, टी फॉर ट्री। जनरली बच्चों को हम शुरू से ही नर्सरी क्लास से ऐसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो ये बिगनिंग लेटर्स ही होते हैं जो हम शुरू से उनको पढ़ाते हैं, तो जेड तक के सारे बच्चों को आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग वोवल्स। वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू, फाइव वोवल्स यूज करने हैं हमें। फिल इन द ब्लैंक्स था हमारा यहाँ पे, ये हट की इमेज थी तो एच यू टी हट। मॉप, एम ओ पी मॉप। हैट, एच ए टी हैट। एन ई टी नेट। के आई टी किट। तो हमारे पांचों वोवल्स यहाँ पर यूज हो गए। आप बच्चों को उस तरह का प्रैक्टिस कराइए जो उनके स्कूलों में इमेज कराई जाती है, या जो वर्ड्स ज्यादातर मैम डिक्टेशन में बोलती हैं स्कूल में, तो वो आप उनकी प्रैक्टिस भी बच्चों को अलग से करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल्स ए और एन। इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी वर्ड हमारा वोवल लेटर से स्टार्ट होता है वहां पर हम ए एन एन यूज करते हैं, और जो भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट होता है दैट मीन्स वोवल नहीं होता है वहां पर हम ए यूज करते हैं। तो ये हमारा वर्ड देखिए अम्ब्रेला, तो बच्चों को इमेज भी दी जाती है यूकेजी क्लास में और नेम भी लिखा जाता है ताकि वो आसानी रहे उनको समझने के लिए। तो अम्ब्रेला है तो यू से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो यू हमारा क्या है, एक वोवल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एन। पी हमारा कॉन्सोनेंट है दैट मीन्स वोवल नहीं है, तो अ पेंसिल। ई हमारा क्या है, वोवल है, तो एन आई। बुक हमारा कॉन्सोनेंट है, अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा दिस और दैट का, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया। जो भी हमारी नियर होगी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा नियर होगा उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा फार होगा दैट मीन्स दूर होगा उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए बॉल हमारी दूर है तो दैट यूज करा है, कंप्यूटर हमारा पास में है नियर है तो दिस यूज करा है, बुक हमारी दूर है यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दैट। सेम कॉन्सेप्ट दीज किसके लिए यूज होता है, जो पास में हमारे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दोज जो हमारे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो हमारे से थोड़ी दूरी पर होते हैं। फाइव फ्रूट्स नेम, जनरली बच्चों को यही सिंपल रहते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स, यही लर्न कराते हैं स्कूलों में ज्यादातर। इसके अलावा अगर कोई और सा कराया गया है आपके बच्चे को स्कूल में तो आप वो भी लर्न करा सकते हैं। फाइव वेजिटेबल्स नेम, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, बीन्स। फाइव कलर्स नेम, रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन। फाइव लाइन्स ऑन माई सेल्फ, अगर आपके स्कूल में कोई दूसरी तरह से लिखवाई गई है, आगे पीछे ये सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग ही करिए। जनरली बच्चों को यही कराया जाता है, माई नेम इज, मैंने रैंडमली एक नाम लिया है रोहन, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पर लिखिए। आई स्टडी इन यू के जी ए बी, जो भी आपका सेक्शन है,
या फिर KG 2 आपके स्कूल में बोलते हैं, या सीनियर KG बोलते हैं, हायर KG बोलते हैं, जिस भी नाम से आपको ये आपके स्कूल में बोला जाता है वो यूज करिए। माई स्कूल नेम इज, आई लाइक, आपको जो भी गेम पसंद है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। आई लिव इन दिल्ली, मुंबई, जहां पर भी आप रहते हैं आप वहां का प्लेस लिखिए। लास्ट क्वेश्चन था हमारा इन, ऑन, अंडर, हमें लिखना है यहाँ पर। इनका मतलब होता है अंदर, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका किसी चीज के अंदर है तो इन यूज होगा। यहाँ पर एग्स हमारे नेस्ट के अंदर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, द एग इज इन द नेस्ट। फर्स्ट इमेज में द एग इज इन द नेस्ट, नेस्ट के अंदर है। ऑन का मतलब होता है ऊपर, यहाँ पर जग हमारा देखिए टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अ जग इज ऑन द टेबल। द गर्ल इज अंडर द ट्री, ये गर्ल हमारी ट्री के नीचे बैठी हुई है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।